गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू क्लास फोर्थ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। आज हम लोग का सबसेक्शन जो चैप्टर है वो उसका पार्ट थ्री हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग स्टेरिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो हमारे कुछ क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया, रीता वांट्स टू बाय ज्वेलरी वर्थ 5820 बट सी हैज ओनली 2448 रुपीज, हाउ मच मोर मनी डज सी नीड। पहले तो हिंदी जानिए। देखो, रीता है, रीता को एक ज्वेलरी चाहिए होती है, लेकिन जो रीता एक ज्वेलरी चाहती है उसका जो अमाउंट है वो है 5820, लेकिन उसके पास तो 2448 रुपीज थे। अब रीता को कितनी रुपए की और जरूरत पड़े कि उस ज्वेलरी को वो ले ले? तो अब समझ लीजिए, जरूरत पड़े तो इसका मतलब कि कमी है ना पैसे की, तो यहाँ पर कौन सा वर्क होगा? सब्ट्रैक्शन का वर्क होगा। अभी लिखा है सब्ट्रैक्शन, तो आप जान लेंगे सब्ट्रैक्शन है, लेकिन जब एग्जाम में दिया जाएगा तब तो वहाँ पर आपको इसी पॉइंट से ही क्लियर करना पड़ेगा। जब किसी की जरूरत हो तो वहाँ सब्ट्रैक्शन है। ओके, तो देखिए, हमें लिखेंगे थोड़ी लैंग्वेज में, कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी, कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी कितनी दी है आपको? 5820 दिए, फोर डिजिट में, तो फोर डिजिट नंबर का ही है। इच्छा यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं कि 10,100 सब आप देखें। उसके बाद है अमाउंट, कितना है अमाउंट, अमाउंट विथ रीता, रीता के पास जो अमाउंट है वो कितना है विथ रीता? अमाउंट है 2448। अब आपको निकालना है अमाउंट नीड, कितनी जरूरत है, अमाउंट, अमाउंट रीता नीड्स, यानी कितने रुपए की रीता को जरूरत है। तो निकाल लें, यहाँ माइनस में अप्लाई कर दिया, सबसे करेंगे ये जीरो है, स्मॉलेस्ट है, इससे एक नंबर बोरो दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो 10 मिनट सबसे करेंगे 2 आया, तो यहाँ से तो एक वन था, वन बचा था, तो 2 से एक नंबर चला गया। अब फिर इससे बोरो दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, इससे कट कर दिया, 11 में 4 सबसे करेंगे क्या आया 7 आया, यहाँ जो 7 बचा था है ना, फिर इससे एक नंबर बारो दिया, तो यहाँ का क्या हो जाएगा 17, तो 17 में 4 सबसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बचा था ना, यहाँ पर बारो देने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, प्रोसेस को देख लें, 5820 या आपका 5820 है ना, इससे बारो दिया 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ, 10 में सबसे 2 आया, यहाँ बंद बचेगा, 2 कैंसिल हो गया। अब इससे एक बार देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, 11 में 4 सबसे 7 आया, अब 7 में 4 सबसे करेंगे क्या आएगा 3 आया, और 5 में 2 सबसे करेंगे 3, इतने रुपए की जरूरत थी इसको, रीता को। अब अपना इन्हें ऐड कर लो, ये आ रही डिजिट की नहीं आ रही, 8 2 10 की 0 1 कैरी, 4 7 11 1 12 की 2 1 कैरी, 4 3 7 1 8 और 2 3 5। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, वरुण के पास इतनी मनी थी, यानी वरुण के पास जो टोटल मनी है, वरुण के पास टोटल मनी कितनी थी, 8544 थी वरुण के पास, ठीक है। अब उसने कुछ मनी अपनी मदर को दे दी, तो गिव मनी दे दी कितनी दी, 6039। अब ये कह रहा कि लेफ्ट मनी अब वरुण के पास कितनी मनी है, तो लेफ्ट मनी कितनी मनी बची होगी शेष, तो आप इसे सब कर दीजिए, 4 में 9 जा नहीं पाए क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, इससे बोरो दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 में 9 सप्टे करेंगे 5 आया, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में 3 सप्टे करेंगे 0 आया, 5 में 0 सप्टे क्या 5 आया, 8 में से सप्टे क्या 2, इनको ऐड कर लीजिए, ये आ रही डिजिट की नहीं आ रही, 9 5 अट गया 14 के 4 1 कैरी है ना, 3 0 अट किया 3 है, 3 में 4 अट किया 4, 0 5 अट किया 5, 6 0 अट किया 8। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक एनुअल सेलिब्रेशन है जिसमें इतने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट जो है वो ये है, टोटल स्टूडेंट्स आपके हैं 2874 है, और उसमें जो बॉयज हैं उनकी उनकी संख्या दे दी है इसने, कितनी दी है 1392। अब गर्ल्स पूछी जा रही है, क्या पूछ रही है, गर्ल्स जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो इतने हैं, और आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी जा रही है, क्या पूछेगी नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे पता चल जाएगा, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट क्या 2 आया, ये 7 स्मॉलेस्ट है, इससे एक नंबर बोरो दिया तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 में
17 में 9 सप्ते करेंगे 8 आया, और यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा, नंबर 12 दिया 7 में 3 सप्ते क्या 4 आया, और 2 में 1 सप्ते क्या 1, ये आपका क्या इतने गलत है। अब इन्हें कन्फर्म कर लिया है कि नहीं है आंसर, तो इनको इनको ऐड कर लो, 2 2 क्या 4, 9 8 क्या 17 के 7 1 कैरी, 3 4 8 क्या 7 1 के 8 और 1 1 के 2। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मीना है जो बुक विच कंटेंट्स, मीना के पास एक किताब है, जानते ना किताब, आप लोग किताब देखी होगी ना, मीना के पास एक किताब है, मीना के पास ये किताब है ठीक है, उसने क्या किया 1649 पेजेस रीड कर लिए, पढ़ लिए, फिर उसने कहा नहीं मीना के पास जो बुक है उसमें 1649 पेजेस हैं, और ये कहा जाता है कि सी हैज ऑलरेडी रीड 1104 पेज, उसने पहले 1104 पेज रीड कर लिए, तो हाउ मैनी मोर पेज डज मीना हैव टू रीड स्टिल, अब कितने पेज और रीड करने रह गए हैं ठीक है, कितने पेज की जरूरत पड़े कि कितने पेज हो जाए, देखिए हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, टोटल पेजेस इक्वल 1649 है ना, और रीड पेजेस हैं 1104 ठीक है, अब नीड पेजेस अगर कितने पेजों की जरूरत है कि पूरा हो जाए ना, आप इन्हें सबटे कर दीजिए, 9 में 4 सबटे करेंगे 5 आया, 4 में 0 सबटे क्या 4 आया, 6 में 1 सबटे क्या 2 आया, 1 सबटे 0, तो 0 से मतलब नहीं है, ये आपका क्या हुआ आंसर होगा। तो इससे ये थे हमारे क्वेश्चन, आंसर रिलेटेड क्वेश्चन करें, यानी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर करें, जय हिंद जय भारत।